कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 का हम आठवां भाग करने जा रहे हैं। प्रश्न है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर, इसको हमें बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो बच्चे जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमें पता है हमने सर्वसमिका की हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस टू ए बी यानी दो गुना साइन a गुना कोसेकेंट a टू ए बी हो। तो ये हमने अभी पहली ब्रैकेट को हल किया। अब इसके बाद है हमारे पास दूसरी ब्रैकेट, यहां पर भी हम देखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा बीच में प्लस का इससे प्लस, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये भी होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 cos a इनटू secant a। इसे हम अब आगे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं प्लस ये जो कोसेकेंट स्क्वायर ए है ये कोसेकेंट होता है यह है कोसेकेंट स्क्वायर जो सर्वसमिका हमने करी थी उसके हिसाब से हमने पढ़ा था कोसेकेंट स्क्वायर बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसलिए इस कोसेकेंट स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसके बाद यह है 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेकेंट ए। कोसेकेंट होता है 1 बटा साइन ए, कोसेकेंट जो है वो साइन ए का उल्टा होता है, इसलिए हमने कोसेकेंट ए को लिखा 1 बटा साइन ए। ये आपस में गुना हो रहे थे तीनों। आगे देखिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस ये है सीकेंट स्क्वायर ए। यदि हम सर्वसमिका की बात करें, हमने एक सर्वसमिका की थी सीकेंट स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये जो सीकेंट स्क्वायर ए है इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहां पर ये है 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए जो होता है ये कॉस ए का उल्टा होता है, तो इसलिए इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन कॉस ए। अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपस में सॉल्व हो जाएगा या कट जाएगा। देखिए साइन ए से साइन ए कट गया, इसी प्रकार से यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें यहाँ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, उसके बाद ये है 1 तो प्लस 1 प्लस यह है कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कट गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया 2 प्लस ये हमने अभी साइन स्क्वायर ए में प्लस कर दिया था, यहां है प्लस 1 ये है प्लस टेन स्क्वायर ए और यहां यदि आप देखें तो कॉस ए से कॉस ए कट गया 2 इंटू 1 कितना होगा 2। अब हम इसको सॉल्व करते देखिए 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 प्लस cos स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a 7 प्लस cos स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। यदि आपको ध्यान होगा तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वे भी ऐसा ही है 7 प्लस cos स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, बस इन्होंने cos स्क्वायर a बाद में लिखा हमने पहले लिख दिया। तो ये जो है हमने सॉल्व किया ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करो, तो सिद्ध हुआ। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था।